तो स्वागत है आपका कैरी की माइनक्राफ्ट की दुनिया में। और आज इनकी दुनिया में मनाया जा रहा है क्रिसमस। और आज ये महाशय क्रिसमस की तैयारी में लगे हुए हैं। तो देखते हैं कि आज इनका क्रिसमस का दिन कैसा जाता है। और जेठिया, सारी तैयारी हो गई ना क्रिसमस की? हो गई तो भाई चलना, फटाफट चल के बनाते हैं। चलिए बाबूजी। अरे यार, ये तो सो क्यों गए यार, जल्दी उठो बाबूजी, क्रिसमस बनाना अपने को। चलो चलो पीछे आ जाओ मेरे फटफट। भागा शायद नीचे खड़ा होगा, देखते हैं। अरे मेरे को जान दो यार। अरे नहीं मैं यार गाइस, जेठे के मारे परेशान हूं मैं। चलो गाइस देखते हैं क्या तैयारी करी इन्होंने। ओह माय गॉड, फैंटास्टिक यार, क्या बात है, बहुत बड़ा पेड़ लगाया जेठिया तूने तो। और यहाँ पर डेकोरेशन वगैरह भी बहुत सही साठ हुई है यार, तारे वगैरह और पता नहीं क्या गिफ्ट वगैरह सब लगा दिए, सही है यार। बाकी देखो गाइस यहाँ पर इन्होंने क्या तगड़ा स्नोमैन भी बना रखा है, ये भी सही है। बाप रे, क्या कड़कड़ाने में ठंड पड़ रही है, कुल्फी जम जाएगी ऐसे तो। बर्फ भी बहुत तगड़ी पड़ रही है, आज तो बहुत मजा आने वाला है क्रिसमस बनाने में, तगड़ी पार्टी करेंगे सब लोग। बाबूजी जेठिया भागा, सेंटा बस आने वाला है, तुम सबने अपनी विश मांग ली है ना? जो भी तुम्हारी विश है ना फटाफट से मुझे दे दो, मुझे ये मोजे के अंदर डालना है। सेंटा आएगा ना तो ये मोजे में से वो विश निकाल के ले जाएगा और फिर अपनी विश पूरी हो जाएगी। तो ला फटाफट से मेरे को विशेष दे सारी, पता नहीं किसने क्या दिया है, देखते हैं। ओके तो इसमें सारी सारी विशेष है जो इन्होंने मांगी है। तो सबसे पहले बाबू जी क्या मांग रहे हैं? सेंटा जी शादी करवा दो। दूसरा जेठिया क्या बोल रहा है? सेंटा जी गर्लफ्रेंड दिलवा दो। और तीसरा बाघा क्या बोल रहा है? सेंटा जी सैलरी बढ़वा दो। यार ये सभी लोग क्या मांग रहे हैं ये सब चीजें? भाई तुम सब क्या मांग रहे हो? ये सारी सारी चीजें तुम्हारी औकात से बाहर है यार, पता नहीं कैसी अजीब फैमिली मिली है, सबने तो इस बार हद ही कर दी, पता नहीं क्या क्या मांग रहे हैं। और खासकर बाबूजी, जंडू बाम मांगने की उम्र में बीवी मांग रहे, छी। बहुत ही रंगीन मिजाज के हैं अपने बाबूजी यार, मैंने इनके बारे में ऐसा सोचा भी नहीं था कभी कि ऐसी चीज मांगेंगे। चलो कोई ना, इनकी मर्जी। इन सब लोगों ने तो अपनी अपनी विश मांग ली, लेकिन यार अपन क्या मांगे? वैसे यार मुझे अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें चाहिए, दौलत, शोहरत, औरत, पैसा, बंगला, गाड़ी। लेकिन यार एक दिक्कत है, अपन हर क्रिसमस एक ही विश मांग सकते हैं, तो इस बार यार क्या मांगे यार, मैं कंफ्यूजन में हूँ बहुत ज्यादा यार। कभी मैं सेंटा होता ना तो सारी की सारी अपनी विशेष पूरी कर लेता, फिर तो यार अपने को ऐसा लगता है कि यार साला अपुन ही भगवान है। लेकिन यार ऐसा नहीं हो सकता ना। लेकिन एक मिनट, अभी मैंने क्या बोला कि कभी मैं सेंटा बन जाऊँ तो मैं अपनी सारी सारी विशेष पूरी कर सकता हूँ? तो यार ये तो अपन मांग सकते हैं सेंटा जी से। तो चलो फिर ठीक है, अपन एक विश मांगते हैं। सेंटा जी मुझे सेंटा बना दो। क्या बात यार, कितना खतरनाक वाला IQ लगाया मैंने, बिल्कुल 1000 IQ। कभी सेंटा जी अपने को सेंटा बना देना तो फिर तो धमाका हो जाएगा। तो ठीक है गाइस, अपनी विश अपन ये मोजे में डाल देते हैं और अब चल के मस्त सोते हैं। चल जेठिया जाके सो जा, वरना सेंटा जी आएंगे नहीं अगर अपन सोएंगे नहीं तो। चलना भाई। अरे 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 पहले तू चले जा, टाइम इसको बहुत जल्दी है। चलो गाइस ये तो गया सोने के लिए, अपन भी अपने कमरे में सोने को चलते हैं फटफट। यार मेरा सर इतना जोर से क्यों दुख रहा है? ऐसा लग रहा है किसी ने सर पे डंडा वंडा मार दिया मेरे यार। अरे किधर हूँ यार? उठ जा बच्चे। अरे बाबूजी सोने दो यार, कहाँ सुबह सुबह उठा रहे हो अभी? बाबूजी ने सेंटा क्लॉज में है? कौन? सेंटा क्लॉज, सेंटा क्लॉज। अरे एक सेकेंड, ये किधर आ गया मैं? ये कौन सी जगह है? और भाई साहब आपको नो फैंसी ड्रेस का कॉम्पिटिशन चल रहा है इधर? अरे दिख नहीं रहा क्या सेंटा क्लॉज में? आप क्या असली वाले हो? झिंगुर दिखता नहीं है क्या? देख लाल लाल 80,000 के कपड़े पहना है। अरे तू मुझे कहाँ उठा के लेके आ गया? आप किधर आ गया मैं ये कचरे में? अरे बुड़बक दिखता नहीं है क्या? ये सेंटा की फैक्ट्री है। ये फैक्ट्री इतना फैलावा पड़ा इधर? ये फैक्ट्री के अंदर का ऑफिस है ये। पर मुझे यहाँ पर लाए क्यों आपके ऑफिस में भाई? अरे क्या बोल रहा है, तेरी तो इच्छा थी ना तुझे सेंटा क्लॉज बनना है। अच्छा इसका मतलब मेरी इच्छा पूरी हो गई और अब से तू है सेंटा क्लॉज? ओ क्या बात है, थैंक यू सेंटा जी, थैंक यू यार। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि आप मुझे एक दिन सेंटा बना दोगे। यार गाइस अपन अब सेंटा बनने के बाद सारी की सारी इच्छाएं पूरी कर लेंगे अपनी, मजा आ जाएगा। अरे नमुने तुझे इतना भी पता नहीं है क्या, सेंटा बनने का तो अपनी इच्छा कभी पूरी नहीं कर सकता। ये कौन सी ऐसी कंडीशन है भाई, ये तो मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा है। अभी चल, अभी ज्यादा फालतू की बातें मत कर, अभी से तू ही सेंटा है, चल मेरे साथ, मैं तुझे काम सिखा रहा हूँ तुझे क्या करना है। अच्छा ठीक है, लेकिन सेंटा जी यहाँ पर इतना फैला हुआ है, ये सब क्या पड़ा हुआ है? तू उस चीजों पे मत ध्यान दे, ये ऑफिस है, यहाँ बहुत सारे बच्चों के विशेष आते हैं, इसलिए बहुत सारा सामान पड़ा है। अच्छा विशेष है मतलब ये, लेकिन थोड़ी सफाई तो कर लिया करो भाई, बहुत फैला हुआ है। चल बाहर आ जल्दी, ये देख कैरी, ये है सेंटा की फैक्ट्री। बोलो सेंटा जी ये क्या इतना बड़ा, यहाँ पर क्या काम चल रहा है? यह है इस दुनिया की सबसे लाजवाब सेंटा की फैक्ट्री। सेंटा जी ये आपकी जो फैक्ट्री तो बहुत बड़ी है, और ऐसा देखकर लग रहा है कि शायद यहाँ पर गिफ्ट मैन्युफैक्चर हो रही है क्या? आ जाओ अभी। हाँ ये देखो यहाँ पे कितने सारे ट्रक आ रहे, और यहाँ से कूद रहे और सीधे अंदर जा रहे, और इसके अंदर जाने के बाद ये पैक होती है गिफ्ट बॉक्स में,
और आगे जाके कलेक्ट होते हैं एक चेस्ट बॉक्स में। ये हर सेंटर जी, क्या मस्त काम चल रहा है आपका इधर, देख रहे हो गाइस ये ट्रक कैसे जा रहे हैं। ओहो गुलाटी भी खा रही है, देखो ये देखो क्या मस्त गुलाटी खा रही है इधर। और यहाँ से फिर क्या हो रहा है इधर आगे, अच्छा ये डब्बे में पैक हो रहे हैं। जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ मैं सेंटा की फैक्ट्री, मुझे तो मालूम नहीं था कि इतना खतरनाक काम चलता है। देख लो गाइज आप भी, कभी आपने नहीं देखी हो, क्या मस्त यार वहाँ से देखो गिफ्ट जा रहे हैं और यहाँ पर देखो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं गिफ्ट, और पैकेजिंग भी क्या मस्त हो रही है इधर यार। मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि सेंटा ने ऐसी बड़ी सारी फैक्ट्री बिठा रखी इधर। सेंटा जी मेरी तो नजर ही नहीं हट रही यहाँ से। अरे इधर उधर से नजर हटा और काम पे ध्यान दे अभी। सेंटा जी मुझे एक बात बताइए, ये आपको मालूम कैसे पड़ता है कि मतलब किसने क्या मांगा है? इसके लिए एक पूरा सिस्टम बना के रखा है। कहाँ पर? आ जा यहाँ पर। अरे यार आपने इतना सारा यहाँ पर सिस्टम बिठा रखा है कि चलने की जगह नहीं मिल रही मुझे। सेंटा जी और ये सब क्या है? ये देख विशेष के लिस्ट, और बहुत सारे बच्चे ऐसे ही पेज पे विश लिख के बताते। ओके ओके समझ में आ गया। अरे चमगादड़ घूम रहा है आपके यहाँ पर, देखो सफाई वफाई नहीं करते क्या? अरे मस्ती नहीं, चलो अभी जल्दी आओ। चलो ठीक है ठीक है गाइस, मुझे थोड़े से ना सीरियस लग रहे सेंटा जी, मस्ती मजाक की मूड में बिल्कुल भी नहीं है, तो जल्दी आओ वरना पगार काटूंगा। कैरी सेंटा जी व्हाट इज दिस, यहाँ बैठ के तू देख सकता है कि कौन से दुनिया से विशेष आ रहे। सेंटा जी यहाँ पर तो अपना इंडिया है, ये तो पूरा वर्ल्ड का मैप दिख रहा है सेंटा जी। हाँ ये पूरे वर्ल्ड का मैप है, जैसे कि देख यहाँ पे, देख यहाँ से एक विश आ रही है, और देख वहाँ पे, वहाँ से भी एक विश आ रही है। ऐसे ही दुनिया में कहाँ कहाँ से विशेष आ रही है तुम्हें यहाँ पर पता चल जाएगा। अच्छा मतलब जहाँ जहाँ पॉइंट से वहाँ वहाँ से विशेष आ रही हैं, जैसे कि यहाँ पर है पॉइंट, यहाँ से विशेष आ रही हैं, ऐसा मतलब। ठीक है सेंटा जी समझ में आ गया, पर आप थोड़ा सफाई करा करो यार बहुत फैला हुआ है। अरे बबुआ क्रिसमस के सीजन में लोड बहुत बढ़ जाता है, थोड़ा समझा करो। ओके ओके समझ गया मैं। बाकी सेंटा जी आगे क्या करना है मेरे को? अभी एक काम कर, जाके सेंटा के कपड़े पहन ले, सेंटा की जो स्पेशल सवारी है बाहर खड़ी होगी उसको लेके गिफ्ट बांटने निकल जाना। और ये लो ये है बुक जिसमें सारे के सारे विशेष लिखी हुई है और कहाँ पे देना वहाँ का एड्रेस भी लिखा हुआ है। ठीक है सेंटा जी मैं समझ गया, ये सब काम मुझे करना है, लेकिन फिर आप क्या करोगे? ए, मैं तो चला गोवा मजे करूँगा। अरे अरे मुझे छोड़ के मत जाओ। थैंक यू कह रही है ऐसी विश मांगने के लिए, मैं तो चला। यार गाइस ये तो लेने के देने पड़ गए, सेंटा जी तो चले गए, अब अपना क्या होगा? यार मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि विश मांगने के बाद मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मैंने तो सोचा था कि सेंटा बनने के बाद मैं अपनी जो भी विशेष होंगी सब पूरी कर लूंगा, पर यहाँ तो यार उल्टा ही हो गया अपने साथ। अब यार लगता है अपने को सब काम करने पड़ेगा, वरना लोगों का क्रिसमस खराब हो जाएगा कभी अपन ये सब काम नहीं करेंगे। तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट अपन सेंटा का गेटअप लेते हैं। देन उसके बाद गाइस मैंने सेंटा के कपड़े निकाले एंड देन मैं बन गया सेंटा क्लॉस। यस मैं फाइनली रेडी हूँ गिफ्ट बांटने के लिए, तो चलो फटाफट से अपन चलते हैं। तो ओके गाइस फाइनली मैं बन चुका हूँ सेंटा, और अपना पहला स्टॉप है एक बच्चे के वहाँ, उसका नाम छोटा डॉन है। तो गाइस अपने को वहीं जाना है, बस मुझे रास्ता मिल जाए। लेकिन गाइस मैं सही बताऊँ इस सेंटा की गाड़ी को चलाना बहुत ही मुश्किल है यार, संभाल ही नहीं पा रहा हूँ इसको मैं। ठीक है तो शायद मैं वो लोकेशन में पहुंच गया हूँ, इधर इधर ही किधर रहता है वो छोटा डॉन, वो छोटा बच्चा, तो उसको अपने को देना है उसका पहला। अरे मैं पेड़ में जा रहा हूँ, शिट। अरे अरे बचो बचो, हाँ चलो बच गया। हाँ तो मैं बोल रहा था उसको मेरे को देना है पहला गिफ्ट, बस उसका घर मिल जाए। यार ये बर्फ कितनी ज्यादा पड़ रही है। ओके फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूँ वो छोटे बच्चे के घर पे, यहीं उतार दे भाई मुझे। यार सही में बहुत स्पीड में चलती है सेंटा की गाड़ी तो। चलो भाई हमें काम हो गया, अब अपन चलते हैं। लेकिन मुझे सेंटा जी ने बताया था कि चिमनी से जाना है, तो ठीक है सबसे पहले तो अपन चिमनी ढूंढते हैं, इधर ही किधर होना चाहिए ऊपर साइड, तो उसके लिए मुझे इस घर के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो ठीक है फटाफट से चढ़ते हैं। ये चढ़ गए इधर, अरे कहाँ गिर रहा हूँ मैं। ओके अब जल्दी से यहाँ पर छत वत को पकड़ते अपन, सही में ये सेंटा की जॉब बहुत मुश्किल है यार, सीधा सीधा दरवाजे से क्यों नहीं जा सकते। चलो कोई ना ये सब अपन कर लेंगे, अपने को अच्छे से पार्कोर आता है। चिमनी किस साइड यार, यहाँ पीछे भी एक चिमनी है लेकिन शायद वो डेड है। अच्छा एक सेकंड शायद ये है वो चिमनी, तो ठीक है फिर। चलो दोस्तों अभी सीधा चलते हैं अंदर। चले जा कैसे जाते हैं, ओ चल गया। अरे अरे नहीं शिट आग लग गई। अरे अरे तुमने सोचा नहीं था कि चिमनी के अंदर आग लगी होगी। अरे अरे बच्चे क्या देख रहे, जल्दी से पानी डाल, पानी आग लग रही है। बच गया भाई बच गया, थैंक यू यार छोटू डॉन तूने जान बचा ली। यार तुम लोग पागल हो क्या, यहाँ पर चिमनी में आग क्यों लगा के रखते हो, तुम्हें पता है ना कि सेट। अरे क्या कर रहा है तू ये, ओए गाइस मार रहा है ये तो, ये क्या इसके हाथ में ही है। अरे बाप रे कैनन है, कैनन किधर जाऊं। अरे भागो भागो जल्दी से भाई, मार क्यों रहा है, मैं कोई भैरूपिया नहीं हूँ, मैं असली सेंटा हूँ। यार ये छोटा डॉन भी ना पता नहीं कैसे कैसे बच्चे हो गए आजकल पैदा करते। भागो यार यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो जल्दी से। अरे शिट यार ये, और यहाँ पे स्पाइक लगे हुए। अरे अरे हट यहाँ से, मेरे को बाहर आने दे। अरे बाप रे ये बच्चा तो बहुत शैतान है, यहाँ पर इसने निकलना पड़ेगा जल्दी से। अरे हाँ छोटू डॉन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे
यार गाइस, इसने बिल्कुल मेरी नाक में दम करके रखा, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब गया सेंटा वेंटा सब तेल लेने, अब तो मैं अपनी वाली पे आ जाऊंगा। रुक जाओ, इसकी 12 बजे आता हूँ। अरे फिर से गिर गया मैं। अरे शिट यार छोटू, अरे रुक जा, अभी तेरी वाट लगाता हूँ। निकल तो यहाँ से, तेरे को गिफ्ट दूंगा ही नहीं मैं। कहाँ जा रहा है? अरे शिट नहीं, गाड़ी में। अरे भाई गाड़ी लेके भाग गया वो बंदा। यार क्या ये, बिल्कुल आइडिया नहीं हो रहा मुझे क्या करूँ मैं यार। ऐसे कैसे बच्चे पैदा करके लोग छोड़ देते हैं। A few moments later. क्या रे छचुंदर, बहुत परेशान किया तूने मुझे। अरे देखो गाइस, अभी भी इसकी मस्ती नहीं जा रही है। काफी मेहनत के बाद इसको मैंने पकड़ के यहाँ पर बंद कर ही दिया। अब रोने का नाटक क्या करता है, मुझे मालूम है नकली रो रहा है तू। ये देखो गाइस, ये देखो गाइस, कितना मासूम बनने की कोशिश चल रही है इधर है। बहुत परेशान किया। तेरे मम्मी पापा किधर है? अरे 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 रोना चालू कर दिया इसने तो फिर से यार। अरे रो मत यार, चलो ठीक है, देखो माफ करता हूँ मैं। एक बार गाइस इसका देख लेते किसने अपने से क्या मांगा है। छोटा डॉन, खट्टी टॉफी। ओके खट्टी टॉफी मांगी तूने, चल ठीक है, ये ले भाई तेरी खट्टी टॉफी। मुझे समझ में आ गया तू इतना मस्ती क्यों करता है, क्योंकि गाइस ये ना खट्टी टॉफी का नशा करता है। मुझे समझ में आ गया इसलिए क्यों इतनी मस्ती कर रहा था ये। छोटू डॉन थोड़ी सी कम खट्टी टॉफी खाया कर। अरे अभी मत खा यार, फिर से तू एकदम मस्ती वाले मोड में आ जाएगा। अरे अरे अभी मत खा यार, जब मैं चले जाऊंगा जब खाना। ठीक है बेटा तो मैं चलता हूँ। अरे यार इसकी मस्ती नहीं जाएगी, भाग लो यहाँ से। चलो भाई पहला गिफ्ट तो अपने दे दिया, ये लिटरली बहुत ही चुलबुला बच्चा था। वो देखो गाइस उसने तोड़ दिया, भाग लो यहाँ से जल्दी से, वरना हमने को परेशान करेगा वो। हो फाइनली, चलो भाई हो गया, अब चलते हैं अपने सेकंड स्टॉप पर। चलो भाई पहला घर तो अपन ने निपटा दिया है, अब अपने को जाना है दूसरा घर। और दूसरे घर की गाइस लोकेशन इधर ही कहीं है, किधर थी यार, सही में सेंटा का काम करना बहुत ही मुश्किल है। चलो भाई पहुंच गया मैं वो लोकेशन पर, फाइनली यही मेरे को आना था, मोंटू के घर। यार ये बेचारा बहुत ही गरीब है, तो अपने को गाइस इसको गिफ्ट देना है, तो ठीक है इसके अपन घर में चलते हैं। लेकिन कहां से चढ़ूं मैं ऊपर, जगह ही नहीं है। चलो कोशिश करता हूं यहां से चढ़ने की मैं। पकड़ ले ऊपर, पकड़ ले इधर। अरे भैया क्या चोरी कर रहे हो? अरे अरे नहीं भैया, चोरी वोरी नहीं कर रहा हूं। देखो मेरी वो देखो कॉस्ट्यूम, पहचाना मुझे? कौन हो आप, जोकर है क्या? अरे नहीं मैं सेंटा, सेंटा क्लॉस। ओ अच्छा, अरे हाँ वो सामान बांट के फिरता है ना सबको। हाँ हाँ आपने भी? हाँ हाँ, जिसको कुछ काम ही नहीं रहता। अरे बेइज्जती क्या कर रहे हो, तुम्हारी भी तो विश थी, मैं तुम्हारी विश पूरी करने आया हूँ। तो काम करो तुम अंदर जाओ, मैं ना चिमनी से आता हूँ। अरे चिमनी से मत आओ भाई साहब, दरवाजा खुला है, दरवाजे से आ जाओ। वाह यार भाई साहब आपका भला हो कि आपने मुझे गेट से आने की परमिशन दे दी, वरना दूसरे घरों के अंदर ना मुझे चिमनी के थ्रू जाना पड़ता है और उसकी वजह से मेरा पिछवाड़ा जल जाता है। थैंक यू भाई साहब। अच्छा चलो ठीक है, मेरा गिफ्ट निकालो अभी। हाँ 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 निकालता हूँ, पर यार तुम्हारी हालत तो बहुत ही खराब है। तुम्हारी हालत देखकर मुझे ऐसा लग रहा है तुमने जरूर खाना मांगा होगा या फिर कपड़े, क्योंकि देखो तुम्हारे कपड़े कितने फटे, एकदम पुराने हो रहे। छी, अरे नहीं नहीं सेंटा, मैंने कपड़े वपड़े कुछ नहीं मंगाए, लिस्ट चेक करो जल्दी। तो फिर क्या मंगवाया, एक सेकंड देखने दो। मोनू विश टिकटॉकर का सामान, एक सेकंड, क्या टिकटॉकर का सामान मंगवाया, मुझे देखना पड़ेगा। अरे हाँ बाप रे गाइस देखो, आईफोन, माइक, रिंग लाइट, पता नहीं क्या क्या, कितनी सारी लाइट्स है, पॉप प्रोटेक्शन, ये तो माइक के ऊपर लगाते हैं। और ये क्या है, ये पता नहीं सेल्फी स्टिक। यार तुमने ये सब क्यों मांगा, तुम्हारी हालत देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें खाना और कपड़े चाहिए, इसका तुम क्या करोगे? अरे नहीं नहीं भाई साहब, आजकल के गरीबों को ना कपड़े और खाने से कुछ पेट नहीं भरता, फॉलोअर से पेट भरता है। अभी देखो टिकटॉक पे ना मस्त मोए मोए करूंगा, तो चलो अभी निकलो मेरा सामान। यार ये मोए मोए का क्रिंज यहाँ तक फैल चुका है। लो पकड़ो तुम्हारा सेटअप। छी, अरे मार क्यों रहे हो रे? मार नहीं रहा हूँ, जाके उठा लो तुम्हारा सेटअप। अरे ये लो यार, और जाके ना फटाफट से एक गिलास पानी पी लो यार, बहुत थक चुका हूँ यार। सही बता रहा हूँ गाइस, ये सेंटा की जॉब बिल्कुल जूस निकाल देती है। अरे भाई साहब। हाँ बोलो भाई साहब। मैं आपको पानी कैसे दूँ, मेरे हाथ ही नहीं है। शीट, ये मोए मोए का क्रिंज मुझे भी लग गया, यहाँ से भागना पड़ेगा। भाई साहब जाके मेरे को फॉलो करना, बिल्कुल भूलना नहीं। अरे भाग तू, कुछ फॉलो वॉलो नहीं करूंगा, भागो गाइस, ये मोए मोए का क्रिंज ने सही में दिमाग खराब कर रखा है मेरा। देखा गाइस कितनी मुसीबत उठाना पड़ती है, इतना आसान जॉब नहीं सेंटा का, बता रहा हूँ मैं। ओके तो गाइस अपन ने दो घर निपटा दिए हैं, अब अपने को निपटाना है एक पॉलिटिशियन का घर। तो यार वो इधर कहीं बाजू में है, तो चल के देखते हैं किस साइड है वो बकरो, फटफट ले चलो मुझे उधर। अरे यार किधर है ओ, अरे यार बस बकरो रुक जाओ यार, ऐसे बावड़े हो तुम लोग, चलते रहते हो। चलो हो गया, तो देखो गाइस अपने को अभी वहां जाना है, उधर अपने नेताजी बैठे हुए हैं, उनको गिफ्ट देना है, तो फटाफट से अपन चलते हैं भागते भागते। चलो बढ़िया, यहाँ पर सीढ़ियां लगी हुई है, तो इसके सहारे अपन चढ़ जाएंगे। यार सेमी कितना मुश्किल है यार सेंटा लोगों के लिए, ऐसे चढ़ चढ़ के जाना पड़ता है घरों में, एकदम चोरों की तरह। मैं तो क्या पतला हूँ इसलिए मैं आसानी से चढ़ जाता हूँ, वरना जो सेंटा लोग मोटे होते हैं वो तो पता नहीं कैसे चढ़ते होंगे भाई।
चलो क्या करना अपने को, अपन तो चलते हैं। नेताजी देखो यहाँ बैठे हुए, चल फटफट चल, जल्दी से टाइम नहीं अपने पास, क्रिसमस खत्म होने वाला है। नेताजी गेट खोलो। हेलो नेताजी, नेताजी गेट खोलो यार। ही नेताजी गेट क्यों नहीं खोल रहे, यही तो बैठे हुए, देखते हैं क्या कर रहे हैं नेताजी। यार ही देखो यहाँ पर नेताजी मस्त आराम फरमा रहे हो, देखो मस्त टीवी देख रहे हैं। यार ये एकदम ऐसे घूर घूर के टीवी में क्या देख रहे हैं, एक सेकंड मैं भी देखता हूँ। आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या। अरे छी, ये नेताजी ये सब क्या देख रहे हैं, आलू सोना क्या ये सब। अरे ओ नेताजी, हेलो बात सुनो मेरी, पीछे देखो पीछे, पीछे देखो पीछे। हेलो बाहर बहुत ठंड हो रही है, मेरे को अंदर ले लो। ए कौन है ये, ए चोर। अरे अरे चोर नहीं हूँ मैं, अरे ध्यान से देखो मेरा गेटअप, सेंटा सेंटा। ओ अच्छा, अरे अरे गेट खोलो ना फटफट, मेरे को अंदर आन दो। अच्छा सेंटा जी, हाँ वाओ। यार सही में आजकल के नेता लोगों को क्या हो गया, ये कैसे हरकतें करते हैं। यार मैं कब से बाहर खड़ा हुआ था यार, आपने गेट ही नहीं खोला। अरे सेंटा जी सॉरी, मैं वो अपने फेवरेट पॉलिटिशियन की वीडियो देख रहा था। वैसे चलो गिफ्ट दे दो मेरा। यार ऐसा भी क्या देखना है यार, घूर घूर के ध्यान ही नहीं दे रहे हो। चलो ठीक है तुम्हारा गिफ्ट दे देता हूँ, वैसे तुमने क्या मांगा था। अरे सेंटा जी क्या बात करते हो, लिस्ट चेक कर लो ना। ओके मैं देखता हूँ लिस्ट में, गाइस इन्होंने क्या मांगा था। नेताजी ने मांगा है आलू टू सोना कन्वर्टर मशीन, है तुमने यही मांगा है ना। हाँ बिल्कुल सही पहचाने। यार कैसी कैसी चीजें मांगते हो तुम, लेकिन तुम्हें ये क्यों चाहिए, कुछ गलत काम तो नहीं करना है ना तुमको। अरे सेंटा जी बिल्कुल नहीं शक करने का, ये सब तो मैं मेरे फेवरेट पॉलिटिशियन को गिफ्ट के तौर में दूंगा, जिससे कि वो मुझे उसके पार्टी में शामिल करे। अरे अरे भाई भाई ये तो बाबला हो गया। अरे बस ठीक है मैं समझता हूँ आपकी एक्साइटमेंट, लेकिन यार ये बहुत छोटी जगह में, यहाँ पर वो मशीन नहीं लगा सकता भाई, कहीं और बताओ। बाहर आ जाओ बाहर आ जाओ। ओके ओके बाहर। नेताजी जगह बहुत मस्त है, यहाँ पर डाल दूँ मशीन। हाँ सेंटा जी चलेगा। तो ठीक है थोड़ा सा दूर हट जाइए और देखिए मेरा कमाल एंटेन है, ये देखो नेताजी कर दिया आपकी मशीन लगा दी मैंने। सेंटा जी क्या बात कर रहे हो, रुको रुको दो मिनट मेरे को देखने दो, सच्ची में सोना निकल रहा है। अरे 100% असली सोना भाई, हम लोग नकली काम नहीं करते हैं नेताजी आपके जैसा। ओ भाई क्या बात कर रहे हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेंटा जी। हाँ अरे इधर आओ इधर आओ इधर आओ, क्या बात है देखा मैंने तो कमाल कर दिया। वाह सेंटा जी धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। छी छी इतनी गंदी शायरी तुम खुद ही रखो अपने पास, मुझे मत सुनाओ। लेकिन तुम एक काम करो इधर आओ समझो, देखो नेता जी तुमको ना ये मशीन की वर्किंग समझा देता हूँ मैं, देखो इधर आओ। देखो आपको यहाँ से आलू भरना है और फिर ऐसे आलू यहाँ से निकलेंगे है ना, और फिर ये मशीन के अंदर जाएंगे आलू और देखो फिर ये मशीन से कन्वर्ट हो जाएगा सोना। वाह सेंटा जी ये तो बहुत तगड़ा है, ये लो आप रख लो एक। अरे मुझे नहीं चाहिए यार, मैं बस ऑलरेडी वो सोना है मैंने ऑलरेडी लूट लिया है। चलो ठीक है मैं चलता हूँ, दुआ में याद रखना, बाय बाय। क्या बात है गाइस देखो सेंटा बने का कुछ तो फायदा हुआ। ए सेंटा के बच्चे। अरे क्या हुआ, रुको क्या हुआ। अरे ये मशीन से सोना निकलने के बजाय टट्टी निकल क्या रही बात है। कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, ये देख। अरे तूने स्कैम किया ना मेरे साथ। यार गाइस ये क्या हो गया, अभी तो मस्त सोना निकल रहा था लेकिन इस सोने के बदले में ये टट्टी क्यों निकल रही है एकदम से। यार ये मुझे कोई आइडिया नहीं मशीन को क्या हो गया एकदम से। मुझे मेरी मशीन वापस दिला नहीं तो तोड़ दूंगा सेंटा के बच्चे। नेताजी मेरी बात सुनो, आपने जो मुझे ये सोना दिया था ना ये पूरा आप मतलब के रख लो, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं कि ये की मशीन ठीक कैसे होगी, इसलिए मैं जा रहा हूँ यहाँ से भाग रहा हूँ। अरे स्कैमर रुक, ठोकता हुआ अभी तेरे को। गाइस ये तो गोली चला रहा है, भागो जल्दी से गाड़ी बैठता हूँ और यहाँ से भाग जाता हूँ। यार मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मुसीबतें आ रही है, पता नहीं यार ये सेंटा की नौकरी इतनी मुश्किल क्यों लग रही है मुझे, या फिर ऐसा प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ ही हो रही है। छोड़ो यार अपन तो भाग गए, वो नेतो तो एकदम पागल हो गए, तो उसने बंदूक निकाल ली थी। चलो अब तो अपन चलते हमने फोर्थ डेस्टिनेशन पर, बहुत हो गया भाई जल्दी से गिफ्ट लेके मैं भाई सेंटा की नौकरी छोड़ दूंगा, अब मेरे से नहीं हो रहा। 3 hours later. तो गाइस फाइनली अपन पहुंच चुके हैं अपने फोर्थ डेस्टिनेशन पर, एंड ये वाला डेस्टिनेशन मेरा फेवरेट है, क्योंकि गाइस मैं पहुंच चुका हूं इंडिया के सबसे लार्जेस्ट सुपरस्टार के घर पर। मुझे मालूम है कुछ लोगों ने गैस कर लिया होगा, तो जिसने गैस करा तो फटाफट से उसको कमेंट सेक्शन में लिख दो। तो ठीक है अपन पहुंच चुके हैं, एंड यार क्या बड़ा घर है, जितना बड़ा वो सुपरस्टार है उतना ही बड़ा उसका घर है। लेकिन यार मैं जाऊं कैसे अंदर, लगता है फिर से मुझे चढ़ चढ़ के जाना पड़ेगा। तो कहीं तो होगा जगह, लेकिन एक काम करते हैं यहाँ से चढ़ते हैं। ठीक है बढ़िया बढ़िया जल्दी से चढ़ जाऊं, यार जगह क्यों नहीं मिलती मुझे यहाँ से। कहाँ पे चढ़ रहे रे, अरे कौन आ गया कौन आ गया, ए उतर नीचे चोर भी रे। नहीं चोर नहीं हूं मैं, अरे अरे कौन आप, ये फंटर लोग पकड़ो। अरे नहीं चोर वोर नहीं हूं भाई, रुक जाओ एक सेकंड गाइस। कौन है तो फिर, एक सेकंड गाइस देखूं कौन है ये। शेरू, अच्छा अच्छा आप वो बॉडी गार्ड हो ना उनके। हाँ रिश्ते में तो हम उनके बॉडी गार्ड लगते हैं, नाम है शेरू। अरे हाँ भाई साहब मैं जानता हूँ, लेकिन देखो मैं चोर नहीं हूँ, मेरा गेटअप देखो, मेरा गेटअप सेंटा हूँ सेंटा। ओ तो फिर आपका काम क्या है यहाँ पे, गिफ्ट देने आए हो क्या। अरे हाँ हाँ जाके बोलो ना आपके बॉस को कि सेंटा आए गिफ्ट देने के लिए। अच्छा ठीक है रुक जाओ मैं बुला के लाता हूँ अभी के अभी। हाँ हाँ जाओ बस, चलो फंटर लोग जल्दी चलो। यार क्या टाइम पास कर रहे हैं ये लोग, मुझे मिलना है जल्दी से वो सुपर स्टार से गाइज, उसका मुझे ऑटोग्राफ लेना है।
क्या बात है, सेंटर बनने के बड़े फायदे यार। अरे बीड़ू, हाँ सर, तुमको परमिशन मिल चुके है हमारे बॉस से। थैंक यू सर, चलो जल्दी। थैंक यू, जा रहा हूँ मैं। ओके तो गाइस, कांड किया तो ठोक दूंगा। क्या बात है यार, फैंटास्टिक घर बना रखा यार। सही है, वो शेरू ना इधर ही ऊपर गाइस गया था, तो शायद अपने को भी इधर ही जाना होगा यार। बहुत ही बड़ा घर है यार। यार हो गई सही, करोड़पति आदमी है वो। एक सेकेंड, शायद यहाँ पर बैठे होंगे वो। हेलो सर, मैं अंदर आ जाऊँ? स्वागत नहीं करोगे हमारा? अरे सलमान भाई, बिग फैन, बिग फैन। लेकिन एक सेकेंड, अरे तो आप मेरा स्वागत करो, मैं थोड़ा ना आपका स्वागत करूंगा। अरे हाँ भाई भाई। अरे सलमान भाई, ये देखो आपका बकरा पगला रहा है, इसको बिठा दो एक जगह। क्या कर रहे हो आप? अरे उसके बारे में बाद में बात करेंगे, मुझे बताओ गिफ्ट लाए कि नहीं मेरा। अरे हाँ सलमान भाई, एक सेकेंड, मुझे ना लिस्ट देखना पड़ेगी कि उसमें आपने क्या मांगा है। देखता हूँ, आपने मांगा है कोटरीना की। मतलब मुझे वो बातें, वो पल कितना खुश हुआ करता था उस टाइम में। अरे 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 सलमान भाई, क्या हो गया आपको एकदम से? रेंटा जी, आपने मुझे बहुत बुरा किया। रेंटा जी, आपने जिसका नाम लिया ना, उसका नाम सुन के मैं रो रो के हर जगह बाल्टियां भर देता हूँ। अरे सलमान भाई, क्या यार, बहुत ही इमोशनल आदमी हो, मुझे मालूम नहीं था तुम इतने सेंसिटिव हो। लेकिन मुझे आप एक बात बताओ, आप क्रिसमस के अकेले मनाते हो क्या? आज रेंटा जी, पिछले 50 साल से मैं अकेले क्रिसमस बनाते आ रहा हूँ, लेकिन इस साल नहीं बनाऊंगा। इस साल का क्रिसमस मैं कैटरीना के साथ बनाऊंगा। यार गाइस, सलमान भाई ने तो बहुत ही भारी डिमांड कर दी है यार। क्या बोल रही है, कोटरीना कीफ चाहिए इनको। इट इज जस्ट इम्पॉसिबल, उसकी तो अभी भी जस्ट शादी हुई है, मैं कहाँ से लाऊं? यार मैं क्या करूं यार, एक काम कर तो मना कर देता हूँ। और यार इनका बकरा भी देखो, इनकी तरह पागल हो रहा है, पता नहीं कहाँ घुस रहा है। चलो उसको छोड़ो। यार सलमान भाई, एक बात बोलनी है। बोलो सेंटा जी, क्या हुआ? फुड़ दबंग दबंग। यार सलमान भाई, एक बात बोलनी थी आपसे। बताओ। जो आपने डिमांड करी है ना, उसको पूरा करना ना इम्पॉसिबल है। क्या बात करो सेंटा जी, ये बात बोल के तो आपने मुझे गुस्सा दिला दिया। अरे अरे नहीं 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 नहीं, अब तो आप नहीं, नहीं 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 नहीं, रुक जाइए, मुझे काटे ना। हाँ, रुक जाइए, कर सकता हूँ, आपकी विश पूरी कर सकता हूँ। अरे बंदूक नीचे रखिए प्लीज, वरना मैं अपनी वाली पे आ जाऊँ। नहीं 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 सलमान भाई, आप अपनी वाली पे मत आना, मैं आपके ना कोटरी ना केफ ला के दूंगा आपको। रुक जाओ, आप बस मुझे आधे घंटे का टाइम दो बस, ठीक है? मुझे जल्दी चाहिए। अरे गाइस, ये सलमान भाई तो पागल हो चुके, कभी इनको मैंने कोटरी ना ला के नहीं दी ना, तो ये फिर अपनी वाली पे आ जाएंगे, तो फिर मैं भाई निपट जाऊंगा, तो इसलिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करूं? अरे गाइज एक सेकेंड, मुझे एक मस्त आइडिया आया। तो देखो गाइज, मैं रियल में तो कैटरीना कैफ को ला नहीं सकता था, क्योंकि उसकी शादी हो गई थी, तो इसलिए मैंने एक रैंडम लड़की हायर करी और उसको कैटरीना कैफ का मास्क पहना दिया। देखो मेरी बात सुनो अच्छे से, तुम्हें ना सलमान भाई के सामने बिल्कुल कैटरीना कैफ जैसे बिहेव करना है, उनको बिल्कुल भी पता लगना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उनको पता लग गया ना, तो फिर वो अपनी वाली पे आ जाते हैं। तो ठीक है ना, तो फटाफट मेरे पीछे आ जाओ और सलमान भाई के पास चलो। सलमान भाई, आ गई क्या मेरी कैटरीना? देखो वो खड़ी बाहर। क्या बात कर लो, मेरी कैटरीना आ गई, कैटरीना यहाँ जाओ। अरे ये तो एकदम बावड़ा हो गया। चलो ठीक है, कोई ना गाइस, अपने को करना। देख लो सलमान भाई, बिल्कुल ओरिजिनल, एकदम 100% माल है, देख लो। थैंक यू सेंटा जी, क्या मस्त काम किया आपने। अरे अरे बस, ठीक है, मैं चलता हूँ। मेरी क्रिसमस सलमान भाई आपको, और मैं आशा करता हूँ कि अगले साल आपकी शादी हो जाए। ठीक है, मैं चलता हूँ फिर, बाय बाय सलमान भाई। जाइए, मजे कीजिए, हैप्पी क्रिसमस। बिल्कुल पगला गए यार कैटरीना को देख के। चलो कोई ना, छोड़ो, अपने क्या करना, अपन ने तो बेवकूफ बना दिया उनको, अब उन फटफट भग लेते हैं यहाँ से। चलो भाई, सलमान भाई के गुस्से से बच गए अपन, अब निकलते हैं यार, अब अपने को सिर्फ 2 जगह और जाना है, फिर खत्म। ओके तो गाइस, अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन है यहाँ पर। रुक जाओ रे सेंटा की गाड़ी। ठीक है, अपने को अब यही जाना है, और सही जगह उतारा इन्होंने इस बार तो यार, एकदम मस्त एग्जैक्ट लोकेशन पे अपन उतरे हैं। और देखो यहाँ पर चिमनी है, इसके अंदर भी अपने को जाना है। चलो फटफट। अरे अरे अरे, शिट, यार ये लोग यहाँ पर आग क्यों लगा रखते हैं यार, इसको बुझाओ। किधर है यार वो बंदा जिसको गिफ्ट देना है? अरे देखो वो बैठा हो गाइस। देखो गाइस, अपने को इसको ही गिफ्ट देना है, ये रैपर है रैपर। अरे क्या कर रहा है यहाँ पर, नाच क्यों रहा है? अरे पीसी तोड़ दिया इसने, क्या हो गया इसको? बंटा है वीडियो, लोग कोई सब्सक्राइब नहीं करेला। अरे अरे इतना गुस्सा मत हो, ओ बंटा इधर देख, कौन आ बोलती वीडियो, टाइम नहीं है, हट। अरे अरे अरे, देखो गाना गाना है यार। गाइस कैसे यार, इसे में छपरी लग रहा है मुझे तो ये। अरे बंटा, ये सुन तो सही मेरी बात, बोल वीडियो। यार मैं सेंटा, मैं तेरे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। काय का गिफ्ट? अच्छा समझा, 80,000 के जूते हैं। यस, देखो मैं आपको देता हूँ, रुको दे रहा हूँ यार, इसे जल्दबाजी, ये लो आपके 80,000 के जूते, पहनो और ऐश करो जल्दी बिड़ू। ठीक है, हो गया, चलूँ मैं? अरे क्या बात करते बिड़ू, क्या मस्त लग रहे, जज रहे जूते तो। देखा, 80,000 के। अरे हमारी फैक्ट्री में इससे भी खतरनाक जूते बनते, वो सब छोड़ो। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, मिल गए ना आपको? चलो ठीक है, हैप्पी क्रिसमस। अरे रुक ले बंटा, कहाँ पे जा रहे, थोड़ा गाना वगैरह सुन ले रहे। चलो ठीक है, आयो तो सुना दो, कोई बात नहीं, बैठ जाओ तो इधर। हाँ, मस्त तरीके से, मस्त एकदम झकास टाइप का रैप सुना दो, मैं बैठ जाता हूँ। अरे बैठ ही नहीं पा रहा हूँ, कैसे सोफे लगा रखे तुमने? चलो यहाँ। अरे वीडियो ज्यादा नखरे नहीं दिखा, बैठ जा कहीं पे भी, जमीन पे बैठ जा। चल अभी रैप स्टार्ट कर लाए अपन लोग। चलो ठीक है, यहीं बैठ जाता हूँ इधर जमीन पे। हाँ चलो स्टार्ट, 1, 2, 3 स्टार्ट, गाओ। बंटाई प्रेजेंट्स, यो है, यो यस लेट्स गो,
ये बेटो क्या बोलते पब्लिक? यो लेट्स गो मजा रहे। अरे ओ इसके आगे कुछ लिखा है कि नहीं आपने? क्या ये यो करे जा रहे हो? अरे भाई ये थोड़ा वार्म अप कर ले लाता। अरे भाग यहाँ से, वार्म अप कर रहा है पिछले घंटे से यार गाइस, ये तो पागल है, भागो यहाँ से। अरे यहाँ तो रास्ता ही नहीं है। गाना सुन ले भाई। अरे नहीं नहीं मुझे नहीं सुनना भाई, तू क्या ये एक घंटे का वार्म अप कोई होता है क्या? मैं तो जा रहा हूँ भाई सीधा भाई। चलो भाई चलो निकलो यहाँ से। बंदा गुस्सा कर ले रहा है। अरे मैं जा रहा हूँ छोड़ो गाइस, चलते बंदो सीधा। ओके तो गाइस अपने सारे के सारे डेस्टिनेशन कम्प्लीट हो चुके हैं, अब बस अपने को आना है यहाँ पर ये टपरी पर। अरे वो टपरी पीछे छूट गई, चलो उतर जाओ। ठीक है क्या बात है, बस अपने को यहाँ पर गिफ्ट देना, उसके बाद सेंटा की नौकरी को लात मार देंगे अपन। अब नहीं करना भी मुझे इसको देना यहाँ पर गिफ्ट। अरे बाप रे यहाँ बन रहा असली क्रिसमस, सब टून होके पड़े हुए। लेकिन यार गिफ्ट किसको देना है? ये कौन आ गया रे बेड़ो, क्यों माता खराब कर रहा है? एक सेकेंड मोंटी भाई शायद, गाइस मुझे लगता है इनको अपने को गिफ्ट देना है, देखते हैं क्या देना है। हाँ मोंटी भाई को देना है। लेकिन एक सेकेंड ये क्या है, AK-47? अरे मोंटी भाई ये आपने क्या डिमांड कर लिया क्रिसमस के दिन? दारू पीवानू, नशे करवानू, मन जानी लाइफ। अरे मोंटी भाई आप ही करो ये सब नशा पत्ती, मुझे नहीं करना है। ये लो आपका गिफ्ट पकड़ो। अरे बाप रे गाइस देखो लिटरली इन्होंने AK-47 की मांग कर रखी है। अरे जल्दी देना, दिमाग का खोपड़ी मत सड़का। हाँ ये लो मिल गई। हाँ ठीक है चेक पे कर लो, वरना इसी से उड़ा दूंगा तेरे को। अरे नहीं मेरे पे मत चेक करो, आप बाद में कर लेना। गाइस चलो इसकी सटक गई, मेरे को लगता है ये टपका देगा, बेवड़ा आदमी है भाई। एक बार को चला के देख के होना यार। अरे मोंटी भाई बाद में चला लेना। लेकिन एक सेकेंड, अरे मोंटी भाई उल्टी पकड़ ली बंदूक। ये बंटा है सीखा मत में अपने को, वरना इधर ही भून डालेगा तेरे को। अरे मोंटी भाई टपक जाओगे, चलाना मत यार। ये चल तू तेरा काम कर अभी, भाग यहां से। अरे गाइस ये बेवड़े को समझाऊं मैं? चल एक बार ट्राई करके देखता हूं। गया। अरे ये क्या हो गया, वो मोंटी तो सटक लिया, अब क्या भागो गाइस अपन तो यहाँ से। चलो यहाँ से सटक लेते हैं। एक सेकंड, कौन बोला अपने भाई को कौन टपका दिया ले रे इधर? अरे खांदू भाई वो तो खुद की गलती की वजह से टपक गए, उल्टी बंदूक पकड़ ली थी उनने। क्या बोला रे तू? अरे कुछ नहीं बोला मैं। अरे गाइस तू चला रहा, भाग लो यहाँ से यार। कैसे बेवड़ो से अपने को पंगे लेना पड़ रहे हैं। ओ भाई बच गया भाई, पता नहीं कैसे बेवड़ो के बीच में फंस गया था भाई मैं। यार सही में बहुत थकान हो गई है भागते भागते। एक काम करते थोड़ा सा यहाँ पर ना गाइस अपन बैठ के रेस्ट मारते हैं। अरे से कौन गाड़ी ठोक गया रे इधर? क्यों आया ना मजा सेंटे?